A warm good morning to Reverend Principal Sir, all the respected faculties of this eminent school CPS Ajamgarh. I am overwhelmed to conduct the 91st program of UDDAN Change Management for All at your esteemed campus. My name is Rashmi Ranjan and I happen to be the founder of this project. I hope some of you might have heard about this project called UDDAN, which is very popular across the school segment as well as across corporates, colleges and all. I do these programs for various other schools in India, across various states now, and more than 27,000 participants have already attended this program in last 2.5 years, which is a big milestone for this project. Today, and first of all, I need to congratulate and really a warm round of applause to all of you. Amidst the hostile climatic condition, still you all have made it in large number for in the second day of this teachers training classroom management program. So can I hear it for you? Great. Excellent. I can see, you know, I was not expecting a kind of attire, the dressing in this hostile climatic situation. I thought it would be really horrible to see the people drenched up, but you all have carried yourself with full dignity, and I'm sure today's program is going to be an enlightening one. If I just talk about classroom management, but before that, the delivery will be both in English and Hindi, considering the fact that Hindi being the national language, has to be definitely be accommodated with full dignity in any of my program as a patriotic citizen of this country. And English being the official language for most of the schools, CBSE schools in India, I will definitely like to have a good mix of both English and Hindi. Some ground rules: it will not be a one-sided communication. Your questions will be welcome. Aap apne apne doubts, apni cheeze bata sakte hain. Main uska koshish karunga ki uska nivaran aapko mil sake. कल का प्रोग्राम बहुत ही इंकरेजिंग था, बहुत ही अच्छा रहा, और काफी केस स्टडीज आज आपको रहेंगे. मैं इसमें ऑडियो विजुअल्स, केस स्टडीज, स्टोरीज, सारी चीजें इसमें डिस्कस करूंगा आपसे, और चाहूंगा कि आपका रिस्पांस उस पर आए. डेफिनेटली ये जो वीडियो कंपाइल होगा ये उड़ान यूट्यूब चैनल पर जाएगा. मैं चाहूंगा कि आप ये नाम जरूर लिख लें, उड़ान, UDDAN उड़ान और रश्मि रंजन. आप जब यूट्यूब पर डालेंगे तो ये चैनल आएगा. डू सब्सक्राइब टू द चैनल. करीब उस पर 110-120 वीडियोस अभी तक हैं, और जो आपको मदद करेंगे एजुकेशनल सिस्टम में जो भी चीजें हो रही है पूरे देश में, उन चीजों को नजदीक से जानने की, समझने की, और इससे अपना ज्ञान आप बढ़ा सकते हैं. क्योंकि जब जो ज्ञानी है आज वही शक्तिशाली है. आपने फिल्म देखा था सुपर 30, राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा, है ना. सो राजा वही होगा जिसके पास ज्ञान है ना. और वॉट बेटर देन द टीचर सेगमेंट, है ना. आप गुरु का मतलब ही है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला वो सेगमेंट. और आज हम लोग क्लासरूम मैनेजमेंट जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात कर रहे हैं. बहुत सुंदर, थैंक यू. एक ताली हमेशा होनी चाहिए जब आप में से कोई भी जवाब देता है तो उसको इनकरेज करने की आदत रखिए, क्योंकि यही चीज आप जो आज सीखेंगे अपने लिए वही आपको कोशिश करना है अपने क्लास में भी. आपके क्लास में ये माहौल रहना चाहिए कि जब कोई अटेम्प्ट करता हो जवाब देने का उसको इनकरेज करें तालियों की. ये चीजें कम है, ये नहीं होती है जनरली. जवाब दिया, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाओ. तालियों इससे क्या होता है, जो बच्चा नहीं भी पार्टिसिपेट कर रहा है वो भी चाहेगा कि मेरे लिए सबसे पहले क्लास में अप्रिसिएशन मुझे मिले, और हर कोई वो अटेंशन चाहेगा, क्योंकि ये एज जो होता है ये क्विक अटेंशन चाहता है, टीनेजर का जो एज होता है. तो उसको आप अगर पहली चीज आप ये जरूर नोट करें अपने बाद, जो भी आपको बात लगे कि एक नई बात हो रही है जो अभी आप नहीं कर रहे हैं वो आप जरूर नोट करें कि ये मुझे करना है, क्योंकि इसका एक रिपोर्ट आपको बनाकर सबमिट करना होगा कि आज आपने क्या सीखा. ये एक अलग तरह का प्रोग्राम है, धीरे धीरे मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा कि उड़ान में कैसे काम होता है, कैसे इस प्रोजेक्ट को चलाता हूं मैं. तो आपको रिपोर्ट बनाना होगा. बहुत अच्छा बोला सर आपका. गुड नेम क्या है, आपने नाम नहीं बताया अपना. देवेश सर ने, अच्छा ठीक है देवेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे. अब इसको हम लोग डेफिनेशन के रूप में देखते हैं. क्लासरूम मैनेजमेंट रेफर्स टू द वाइड वेराइटी ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स दैट टीचर्स यूज टू कीप स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डरली, फोकस्ड, अटेंटिव on task and academically productive during a class. Wide kind of, तो classroom management wide variety of skills और techniques के बारे में बात करेंगे हम लोग आज इसमें, जिससे teacher जो है students को organized, orderly, focused, attentive on task and academically productive रखे class में. वो सारे हम techniques और skills पर आज चर्चा करने वाले हैं.
अब वो क्या मेथोडोलॉजी, वो तो धीरे धीरे आप आज जानेंगे जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा. इन प्रैक्टिस क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स मे अपीयर डिसिप्टिवली सिंपल, बहुत बार लगेगा आसान है क्लासरूम मैनेजमेंट है, मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूं पढ़ा रही हूं, बहुत आसान है क्लासरूम मैनेजमेंट, मैं तो बच्चों को मैनेज कर लूंगी, मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन सक्सेसफुली एंड सीमलेसली इंटीग्रेटिंग दैम इनटू द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट्स टिपिकली रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस. लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है. स्टूडेंट्स को इंगेज रखना, स्टूडेंट्स के फोकस को, आपके पास ये कहा जाता है एक रिसर्च में कि 45 मिनट से कम नहीं होना चाहिए क्लास और 90 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ऐसा क्यों होता है कि सिनेमा हॉल में आपको 90 मिनट्स के बाद ब्रेक दिया जाता है, क्योंकि इंसान का अटेंशन जो है 90 मिनट्स के बियॉन्ड रह नहीं सकता, मैक्सिमम उसकी रिटेंशन एबिलिटी है ही नहीं. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, आपको पता है ब्रेन को जिसमें भी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, रिटेंशन एबिलिटी है ही नहीं 90 मिनट्स के बाद. उसके बाद वो खाना पूर्ति है बैठ करना, इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा. तो क्या होता है, बच्चों को सफिशियंट ब्रेक्स मिलते हैं. और लेकिन एक बात होती है, 45 मिनट्स के क्लास में भी बच्चा इतना डिस्टर्ब क्यों रहता है? जब आप एक अच्छे शिक्षक हैं, आपका सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, तो बच्चा 45 मिनट्स के क्लास में इतनी क्लास में हलचल क्यों रहती है, क्यों रहती है? कभी आपने सोचा है कि 45 मिनट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे इन चीजों को और समझेंगे, मैं मुद्दे उठा रहा हूं, कई मुद्दे उठेंगे बीच में. 45 मिनट्स आज हम, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड जो कि 20 सीबीएसई आईसीएसई अगर मैं प्राइवेट स्कूलों की बात करूं या इंटरनेशनल स्कूल्स, वो 25% है इंडिया में. और ये 25% स्कूल्स 40% ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रेंथ को पढ़ा रहे हैं, जो कि 2022 वगैरह तक 60% हो जाएंगे. पूरे देश के 40% स्टूडेंट्स की आबादी को ये 25% प्राइवेट स्कूल्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें सीबीएसई की भूमिका कहीं ज्यादा है, समझिए. यानी कि सीबीएसई स्कूलों पर पढ़ाने की जिम्मेदारी के साथ साथ प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, टीचर स्टूडेंट रेशियो गड़बड़ा गया है. अब आप समझिए, पूरी आबादी का 40% अगर 25% प्राइवेट स्कूलों में आ जाए पूरे देश के, आप इमेजिन कीजिए, अगर 100 बच्चे हैं और 25 मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं और वो 100 बच्चे में से 40 बच्चे आ गए अगर आपके क्लास में और एक टीचर पढ़ा रहा है, तो वहां 1:30 का तो रेशियो आएगा ही नहीं. कहा तो जाता है 30, लेकिन क्लास में 40, 45, 50 बच्चे तक हो जाते हैं. तो क्या होता है कि वो स्टूडेंट टीचर रेशियो गड़बड़ा चुका होता है. और तब हम बात करते हैं कि बच्चे कंट्रोल नहीं हो रहे, टीचर कहते हैं, कंप्लेन करते हैं, 45 मिनट के क्लास में हम पढ़ाएं या बच्चों को संस्कार और डिसिप्लिन सिखाएं? क्योंकि अगर करिकुलम कंप्लीट नहीं होता है तो हमें सीबीएसई को भी तो जवाब देना है. सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल सर या मैम को जवाब देना है, फिर आपको आएंगे पेरेंट्स, उनकी तरफ आप अकाउंटेबल है पीटीएम मीटिंग में. पीटीएम मीटिंग की बात भी आज करेंगे, आज बहुत सारे एस्पेक्ट पे बात करेंगे, ठीक है? तो इन चीजों को हम लोग देखते हैं. उससे पहले एजेंडा हम लोग नोट कर लें. क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोग्राम को आज हम लोग बहुत ही होलिस्टिक रूप से, व्यापक रूप से समझेंगे इसको. बहुत आपको क्लासरूम के बाहर के एनवायरमेंट को पहले समझना जरूरी है, और यहां पर हम एस्पिरेशन बिल्डिंग को हैंडल करेंगे. पहला एजेंडा एस्पिरेशन बिल्डिंग, एस्पिरेशन यानी इच्छा, उसको डेवलप करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा पहला सवाल आपसे यह है, आर यू ए टीचर बाय चॉइस और यू आर ए टीचर बाय कंपल्शन? मेरा पहला शुरुआती लाइन यही है. आप सोचिए, आज ये मौका है, आपको पूरा समय मिला है स्कूल के तरफ से, उड़ान प्रोजेक्ट की तरफ से सोचने का, जिनको आपको शायद आपकी भाग दौड़ की जिंदगी में आपको मौका नहीं मिला. सोचिए, पहला सवाल, आर यू ए टीचर बाय चॉइस और यू आर ए टीचर बाय कंपल्शन? मैं टीचर बनना चाहती थी, चाहता था, या पीसीएस यूपीएससी दिया कहीं नहीं हुआ बैंक का, तो सोचा टीचर की नौकरी मिल रही है वो कर लेते हैं. अगर वैसे बने हैं टीचर और अभी भी ध्यान कहीं और है, तो आप शिक्षा को सिर्फ एक जरिया कमाने का सोच रहे हैं. शिक्षा के क्षेत्र में आकर आप इसको एक कमाने का जरिया समझ रहे हैं और आप अपनी नौकरी बचाने के लिए काम कर रहे हैं. बात को समझिएगा सर, बहुत गहरी बात है. इस बात को जिसने आज समझ लिया,
वो शिक्षा के जगत में पैसे का तो उसको सोचना ही नहीं है, इज्जत और सम्मान भी उसके साथ आएगा। मैं इसके लिए कई उदाहरण दूंगा आपको समझाने के लिए कि कैसे होता है ये चीज। मैं एक होलिस्टिक 360 डिग्री रियल पिक्चर दिखाऊंगा और तब आपको लगेगा कि हाँ ये क्या मैं लेवल ऑफ एजुकेशन सही दे रहा हूं। तो पहला सवाल जो मैंने आज आपके लिए रखा है, जिस पर मैं आगे बढ़ रहा हूं कि आर यू ए टीचर बाय चॉइस और यू आर ए टीचर बाय कंपल्सन, ये सवाल है। अभी आप हैं या नहीं है वो आप बाद में डिसाइड कीजिएगा, अभी मैं आपको उस जर्नी पर ले जा रहा हूं कि क्या मैं सही में हूं। और हमारा एस्पिरेशन बिल्डिंग का एजेंडा क्या था, अगर आपने नोट किया है तो वो एक कर्व था ऐसे, क्या था? टीचर, कोच, मेंटोर, टीचर से कोच, कोच से मेंटर। यानी आज हम अपने आप को कह रहे हैं टीचर की वैकेंसी के लिए ओपनिंग था, हम टीचर बन गए, पर टीचर तो आप बन गए, टीचर कौन होता है, कोच कौन होता है, मेंटर कौन होता है, ये आप जानेंगे आज की ट्रेनिंग में। क्या आप टीचर ही रहना चाहते हैं या आप कोच बनना चाहते हैं या मेंटर बनना चाहते हैं, और अंतर क्या है इन तीनों में, आज हम समझेंगे। मुद्दे उठाकर मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि क्या मुद्दों पर आज आप सीखने जा रहे हैं। तो अभी हम एस्पिरेशन बिल्डिंग पे अच्छा खासा समय लेने वाले हैं, बाकी तो सब हो जाएगा, बाकी एजेंडा तो धड़ाधड़ चलेगा, लेकिन एस्पिरेशन बिल्डिंग पर ही सारी समस्या है। तो मेरे जीवन में दो शिक्षकों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, दो शिक्षकों का। पढ़ाए तो कई लोग हैं आज तक, 100 से ऊपर टीचरों से मैं पढ़ा हूं, तो इंजीनियरिंग पढ़ा, सब कुछ है, अमेरिका रहा, सब कुछ। आपको जीवन में कई लोग आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है उसका नाम आप कभी भूल नहीं सकते हैं। और वो शिक्षक जो है अभी तक क्या सोचा जा रहा है, स्कूल के माध्यम से, कि स्कूल में जो पढ़ाते हैं उनको टीचर कहा जाता है, पर शिवाजी की तो मां ही उनकी गुरु थी, जीजाबाई उनकी माता। तो शिक्षक सबसे पहले मां होती है, आदर्श और सिद्धांत आप अपनी मां से पहले घर में सीखते हैं। कई घरों में आज तो फिर भी कई घरों में माता पिता पढ़े लिखे ग्रेजुएट और ये सब पाए जा रहे हैं। एक समय था जब मैं अपने पिता से सुनता था कि घर में माएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी या पिता भी नहीं पढ़े लिखे होते थे, फिर भी उनके बच्चे आदर्शवादी, सिद्धांतवादी, देश प्रेमी वो बनते थे। क्यों ऐसा होता था, ये क्वेश्चन मार्क है। शिक्षा का मूल है क्या, मैं आपसे जो सवाल अभी पूछने वाला हूं वो समझ के जवाब दीजिएगा। आप बच्चों को एजुकेटेड कर रहे हैं या आप बच्चों को लिटरेट कर रहे हैं, पहला सवाल। एजुकेटेड कर रहे हैं, सर ने कहा एजुकेटेड कर रहे हैं, अभी मैं सर नहीं कहूंगा कि गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, आपने कहा एजुकेटेड कर रहे हैं। और कोई जो सर से डिफर करते हो या सर से एग्री करते हो, लिटरेट कर रहे हैं। ओके सर, हाँ तो सर आप जरा बता दें कि लिटरेट क्या है और एजुकेटेड क्या है, क्यों आपने लिटरेट ही कहा, एजुकेटेड क्यों नहीं कहा? मैनर हो, ओके, मैनर हो, बहुत अच्छा गुण हो, बिहेवियर होना चाहिए। और बताइए, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपने अपना नाम नहीं बताया, इमरान अहमद सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज स्कूल एजुकेशन के नाम पर ही एडमिशन लेता है, पर एक्चुअली हम भर भर के लिटरेट्स पैदा कर रहे हैं। समझिएगा, आज बहुत गहरे मुद्दे उठा रहा हूं मैं, हर मंच से उठाता हूं और बताता हूं कि क्यों, क्या दिक्कत है, कहां हम गलत जा रहे हैं। सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल, ठीक है। अब मुझे जरा फटाफट बताइएगा, सबसे ज्यादा बेरोजगार राज्य कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए। बिहार, फिर उड़ीसा, और बताइए, यूपी, और बताइए सर, कोई राज्य छूट ना जाए देश का, और बताइए सर, पश्चिम बंगाल, और बताइए सर, इसी बहाने मुझे राज्यों के नाम याद हो जाएंगे, बताइए सर, राजस्थान, वेरी गुड, और बताइए सर, गुजरात, और बताइए सर, झारखंड, हाँ हाँ, और बताइए। अरे सर इतना ही राज्य, 28 राज्य हो गए, नाम तो बताइए मुझे, 28 तो गिना दीजिए। आसाम, और बताइए, कोई रुकावट नहीं है सर, दिल खोल के आप ही का कार्यक्रम है, जितना बोलना है बता दीजिए सर। तेलंगाना, अरे वाह क्या बात है, और बताइए सर, आंध्र प्रदेश, क्या बात है, जम्मू कश्मीर, वो कैसे छूट सकता है बताइए, न्यूज में सबसे ज्यादा है तो, और बताइए,
और कुछ बचा है सर, मन में कुछ रह न जाए कि ये जवाब था मैं ही देने वाली थी या मैं ही ये जवाब देने वाला था। वो आ गया सर, किसी ने वो ब्लॉक कर दिया आंसर। आसाम, ये भी ब्लॉक हो गया सर। कर्नाटक, अरे वाह बिल्कुल सर। और बताएं, छत्तीसगढ़। मन का जितना भरा से सर आज निकाल दीजिए, जितने राज्य उनको आज बेरोजगार बना ही डालिए सर। सबसे बेरोजगार राज्यों में जरूर गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, तीसरे पहले स्थान पे सिक्किम और ये सब आएगा। लेकिन मैं उन सबको राज्यों में उतना नहीं सोचूंगा क्योंकि बेचारे बहुत चीजों के कारण स्ट्रगल हैं। तीसरे स्थान पर आप देख लीजिए जिसको मैं नंबर वन मानता हूं, वो है केरला। नोट कर लीजिए, सबसे साक्षर राज्य सबसे बेरोजगार राज्य में आता है, आप गूगल में डालिएगा और उसके रीजंस भी डालिएगा व्हाई केरला इज कंसीडर्ड टू बी द अनएम्प्लॉयड स्टेट। मैं तो 2 साल केरला में रहा हूं, मेरी खास बातें आज बताने को, रियल बातें। उस राज्य में जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि डॉक्टरेट्स, जो कि यूपी में भी आप देखेंगे, डॉक्टरेट्स नौकरी के लिए किस तरह की नौकरियों के लिए आवेदन दे रहे हैं। डॉक्टरेट्स का मतलब होता है क्या, नई सोच, नया रिसर्च। आप पीएचडी हो चुके हैं, डॉक्टर का मतलब है डॉक्टर, इसका मतलब है आप उस विषय के ज्ञाता हो चुके हैं। अब आप आपका ज्ञान सर्वोपरि है दूसरों के मुकाबले, अब आप कुछ नई बातें, नया सोच, नई कलात्मक चीजें लेकर आएंगे। और आज आप दिहाड़ी कमाने के लिए कोई भी पोस्ट मिले वो तैयार है लेने को। देश में नई सोच आएगी कहां से? आप ये सोचिए, 133 करोड़ आबादी का देश आज एक नई सोच के लिए तरस रहा है। ये सारे फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट किसकी देन है? पाश्चात्य कंट्रीज के 16 वर्षीय बिल गेट साहब की, 18 वर्षीय या 17 वर्षीय मार्क जुकरबर्ग की, लैरी पेज की गूगल, और इसमें काम करने वाले 30% हैं भारतीय। आंख पर चश्मा लगाए हुए, पानी पोछते हुए हम पढ़े लिखे मजदूर पैदा कर रहे हैं दूसरे देशों के लिए, जो कहते हैं $100 में। थैंक यू सर। हम पढ़े लिखे मजदूर पैदा कर रहे हैं, जैसे किसान खेतों में काम करता है, हम टाई लगाकर विदेशियों के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? कहते हैं सर 2 साल से अंग्रेजों के थे, उससे पहले हम उनके थे गुलाम, अब आदत हो गई है गुलामी की। 8 घंटे की जगह 12 करवा लीजिए सर, पर पैसा जरूर फिक्स दे दीजिएगा। पर यहां उड़ान में हम कहते हैं ऑन्ट्रप्रेनरशिप, बिजनेसशिप को, जिस पर हम मेरे अगले कार्यक्रम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो चल रहे हैं, वो है बिजनेसमैन उत्पन्न करना देश में। माननीय प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया सक्सेसफुल क्यों होगा? कैसे होगा? होगा ही नहीं। कारण मैं बताता हूं, आपने पॉलिसी बना दी, लेगा कौन? हमारे देश में तो IIT के लड़के कह रहे सर उड़ान में 5,000 रुपया दे दीजिए सर इंटर्नशिप में। IIT के लड़के 5,000 दे दीजिए सर, फिक्स दे दीजिए, फिक्स। मैं कहता हूं भाई 5,000, तुम्हें 50,000 मिलेगा, तुम आओ कराओ, ये ट्रेनिंग करो, वो करो, मेरे उड़ान, तुमको पैसे की कोई कमी नहीं होगी, करो। नहीं सर, फिक्स सर, फिक्स प्लीज सर, फिक्स सैलरी सर। क्योंकि हमारे यहां परवरिश होती है बेटा पढ़ो और पढ़ो। सर पापा एक आइडिया का अभी समय नहीं है, आइडिया PhD कर लेना उसके बाद करना, अभी पढ़ लो पापा, है ना, अभी खर्चा करने के लिए। काश अगर यही बात बिलगेट साहब के मम्मी पापा बोले होते या मार्क जुकरबर्ग के, तो 16 साल में फेसबुक और 16 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनता। हमारे यहां बेटा पढ़ो, हमारे यहां पढ़ाई का मतलब इतनी मोटी, बेटा रटे नहीं पेज नंबर 70, रट जाओ तोता की तरह, रॉट सिस्टम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रॉट सिस्टम, ROT, रॉट सिस्टम, रटंत विद्या। एक रिसर्च आया था कि क्यों एशियंस, क्या अंतर है एशियन एजुकेशन सिस्टम और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में। एशियन एजुकेशन सिस्टम बात करता है ग्रुप लर्निंग की, 4 बजे सुबह से शुरू हो जाओ, एक एक कम एक, अरे मोहल्ले में बच्चे जग गए, रटना शुरू शुरू हो जाओ, रट जाओ पूरा किताब, रट जाओ बेटा कंठस्थ, हम आकाश देखकर भी बता देंगे कि किताब में क्या लिखा है। हमारे देश में इसकी कोई कमी नहीं है, आप विदेश में ऐसा नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा जो ब्रेन हुआ दुनिया में वो है आइंस्टाइन का, सबसे एवरेज बच्चा, अल्प बुद्धि जिसको कहा जाता है, सबसे बड़ा ब्रेन जिसका, वो अल्प बुद्धि और एवरेज स्टूडेंट था बचपन में। बताइए उनके यहां का जीनियस जो दुनिया में इतने
फोटो इलेक्ट्रिक और क्या क्या दे दिया दुनिया को सिद्धांत, वो एवरेज बच्चा था। और हमारे यहां का जो टैलेंटेड है सर 100% इन इंग्लिश और हिंदी इन बोर्ड एग्जाम सर, 98% 99% सर, क्या नया दे रहे हैं देश को? अभी सोच रहे हैं सर क्या देना है, अभी तो वैकेंसी निकलेगी सरकार की, उसमें अप्लाई करेंगे सर। सर देश को क्या देंगे? सर पहले देश को देने दीजिए नौकरी पहले, फिर हम देश को देंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट को आप अभी तक चार दीवारी में सोच रहे थे, पर जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो चलिए सर रोड पे, अब आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा रोड के बीच में, चलिए सर केमिस्ट्री का एग्जाम होगा खेत में, ऐसे नहीं होता है ना सर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया मैडम, अब इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा, ऐसे नहीं होता है। जिंदगी सब्जेक्ट वाइज एग्जाम नहीं लेती है, 5 मिनट में आपके हो सकता है 7 सब्जेक्ट का इम्तिहान ले ले, इंग्लिश का लिटरेचर, हिंदी का लिटरेचर, सब ले लेगी जिंदगी 5 मिनट में। आज आपको वो मौका मिलेगा 5 मिनट का इम्तिहान का, और बार बार मिलेगा, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं है। हम एजुकेशन के नाम पर देखिए, लिटरेसी और एजुकेशन को समझना बहुत जरूरी है। हम जो क्लास में अक्षर ज्ञान ले रहे हैं उसको वास्तविक जीवन में प्रैक्टिकल में उतारने का क्या हमें मौका मिल रहा है? क्या हमको इंकरेज किया जा रहा है? बेटा किताबी बातें जिंदगी में नहीं चलती हैं, वो एग्जाम तक ही ठीक है। अगर इस तरह की बातें हो रही है आपके आसपास में, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हम जितनी पढ़ाई करा रहे हैं उतना ही याद करो, जिंदगी बन जाएगी तुमको तुम्हारी। यानी आप कन्वेंशनल थिंकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं जो पुरातन काल से चली आ रही है। लेकिन पुरातन काल को मैं तो और अच्छी थी, मैं पुरातन काल नहीं कहूंगा, कई 100 सालों से जो चली आ रही है, जो ऋषि महर्षियों का जो जमाना था वो प्रैक्टिकल अप्रोच था, प्रैक्टिकल। जब आश्रम में लोग रहते थे तो उस समय जो उनसे काम कराया जाता था, चाहे वो बाल्टी उठवाना हो, खाना बनाना हो, सारे चीज खेती करना हो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर था। आज उस शिक्षा पद्धति को हमने कैंपस बनाकर चार दीवारी में बंद कर दिया। हमारे क्लास में पीछे तक कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे, यानी बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस स्कूल का। इट्स ऑल अबाउट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। और तब हम चाह रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा, देखिए हमें चाहिए इज्जत पुराने वाली, पर पैसा चाहिए नया वाला, समझिएगा बात को। हमें पैसा और फेम चाहिए आज का, और इज्जत चाहिए पुराने वाली। सर नहीं चलेगा मिलावट का, 2 ऐसे प्रोफेशन है जिसमें नहीं चलेगा। आज बेचारे डॉक्टर बदनाम हो चुके हैं, जिनको सेकंड गॉड कहा जाता था। टीचर और डॉक्टर का जो प्रोफेशन है ये, इसको नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, किसी और प्रोफेशन को नोबल नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसमें बेरा गर्त है, प्रकृति का हर चीज बर्बादी, चाहे आप इंजीनियरिंग कह लो, नोबल जॉब नहीं कहा जाता है, नोबल इसको पवित्र कहा जाता है। टीचर ये एक ऐसा पेशा है जिसमें पैसे की बात नहीं की जाती है, इसमें ज्ञान की बात की जाती है। अगर आपके अंदर सही में ज्ञान है तो पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा। जहां पे कई शिक्षक पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं, वहीं ऐसे कई शिक्षक हैं जो पैसे के बारे में सोचना नहीं है, उनको बाय डिफॉल्ट आ रहा है। इतने पॉपुलर है कि सारे लोग उन्हीं से पढ़ना चाहते हैं, क्यों? ज्ञान। तो मैं आपको यहां पर यह मुद्दा उठा रहा हूं, आइडियल टीचर, IDEAL, आइडियल टीचर। I stands for intelligent, D stands for dedicated, E stands for enthusiastic, A stands for amicable, 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 यानी friendly, and L stands for learned, ideal teacher, ideal teacher, intelligent, dedicated, enthusiastic, amicable and learned. ये जिनके अंदर गुण है वही टीचर सही मायने में है। एमिकेबल, AMICABLE, एमिकेबल यानी फ्रेंडली, डिक्टेटर नहीं। सर आगे सन्नाटा छा गया क्लास में, ऐसा सन्नाटा छा गया कि बच्चों को जैसे शौक लग गया, अमुक टीचर आ गए, चेहरे पे कोई स्माइल नहीं, आंखों में अंगारे, जिधर घूम रहे हैं, होमवर्क बनाया था क्या? आवाजों में कड़कपन है, क्योंकि ट्रेडिशनली हमने देखा है हमारे गुरु ऐसे थे, सब कांपते थे,
तो जरा छड़ी भी लगा दीजिए गुरु की तरह आज के डेट में। वादा है आपको जेल के पीछे होंगे या माता पिता का ग्रुप आपको घेर के रखेगा। जब पुराना सिस्टम आपको यूज करना है हमारे समय वाला, तो तैयार रहिए आज के भी हिसाब से। तो यानी कि आज क्लासरूम मैनेजमेंट वैसे नहीं चला सकते आप जैसे कि आज से 10 साल 20 साल पहले होता था, नहीं कर सकते आप। लेकिन आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, आज भी वही बात है, आपके लिए चैलेंज बढ़ गया है। आप छड़ी का जी, आपको सीसीटीवी नहीं, हर जगह सीसीटीवी भी नहीं लगा है ना, आप अपने ही स्कूल में देख लीजिए, हर क्लास में सीसीटीवी है, लग गया है? नहीं, हर स्कूल में तो नहीं लगा है अभी, हर स्कूल में नहीं लगा है, और सरकारी स्कूलों का तो बात ही नहीं कर सकते, और कई स्कूलों में अभी नहीं हुआ है। हाँ सर, दिल्ली में हो गया है, दिल्ली में कर रहे हैं, सरकार चाहती है करना, पेरेंट्स के कंप्लेन पे तो वहां हो चुका है। बता रहा हूं शिक्षा का पावर, मैं 22 विषयों पे क्लासेस लेता हूं अकेले, जिसमें से टीचर्स ट्रेनिंग एक प्रोग्राम है। आप समझिए, अगर आपने एक किताब तक अपने जीवन को रखा है, एक किताब तक, तो आप उस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हैं, शिक्षक नहीं बन सकते, कोच नहीं बन सकते, मेंटर नहीं बन सकते। क्या क्रिएटिविटी, अगर मैं कहूं इनोवेशन, आपको समझना जरूरी है इनोवेशन। इनोवेशन कहते ही आपके जहन में कौन सी बात आती है, इनोवेशन कहते ही, इनोवेशन का क्या मतलब है? कुछ क्रिएट करना। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे, क्या चीज के मदद से, किस चीज की मदद से आप इनोवेशन को क्रिएट करेंगे, बताइए। न्यू आइडियाज, क्या वो आइडिया नेसेसरी है कि टेक्नोलॉजी से आए? इनोवेशन का मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। आजकल दुनिया में यही बात हो गया है ना, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जहां इनोवेशन की बात आ रही है टेक्नोलॉजी। मैं आपको बताऊं, ये हमारे यहां एक बड़ी गलत सोच भारत में पैदा हो चुकी है कई सालों से, अगर कोई लड़का इंटेलिजेंट है तो उसकी थिंकिंग ना स्ट्रांग होगी, सही होगी, क्योंकि वो तेज लड़का है, इंटेलिजेंट है, और इसीलिए उसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बोलते जाओ समझते जाएगा, क्योंकि उसकी थिंकिंग बहुत सही है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, 90% प्लस लाता है क्लास में। बहुत गलत सोच है, मैं आपको प्रूफ करूंगा, और ये रिसर्च में कहा गया है, मैं नहीं सिर्फ कह रहा हूं, रिसर्च में। और जो लड़का जो इंटेलिजेंट नहीं है उसको भी सिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी थिंकिंग ऐसे ही गई गुजरी होगी, तो उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, तो उसको भी छोड़ दो, सिखाने की जरूरत ही नहीं है किसी को, बोलते जाओ बस ब्लैक बोर्ड पे। आपके बच्चे जो इंटेलिजेंट होंगे पकड़ लेंगे, जो नहीं है बेवकूफ, उनको तो गधा है, वो समझ ही नहीं पाएंगे। इस सोच से बाहर आइए। मैंने आपको बार बार कहा आइंस्टाइन का उदाहरण, उसके टीचर ने उसको स्कूल से निकाल दिया था, प्रिंसिपल ने, आइंस्टाइन, कहानी पढ़िएगा आइंस्टाइन की। अल्प आइंस्टाइन, जो दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रेन, जीनियस ब्रेन कहा जाता है, उसको कई बार अपने फोन नंबर याद नहीं रहते थे, कहां जाना है याद ही नहीं। उनकी एक घटना है जो मैंने कुछ दिन, कि वो एक बार ट्रेन में जा रहे थे, उनसे जब टीटी आया, और बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, तो टीटी ने उनसे टिकट मांगा। अब ये खोजने लगे, इनको याद नहीं टिकट कहां है, तो टीटी ने बैग वैग चेक करने लगे, तो टीटी उनको जानता था, तो कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे कोई मांगेगा नहीं टिकट, आपने लिया ही होगा, ये सबको पता है, आप क्यों नहीं लेंगे, आप इतने प्रसिद्ध हैं, दुनिया आपको जान। फिर वो आगे बढ़ा, लेकिन वो देखा अभी भी वो खोज रहे हैं टिकट, तो बोला सर कोई नहीं, टिकट नहीं चाहिए, आप क्यों इतना, बोले नहीं वो उसके लिए नहीं, अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहां जा रहा था। ये आइंस्टाइन की कहानी है। सोचिए, दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रेन, जिसको स्कूल ने निकाल दिया था, और उनकी मां ने उनको पढ़ाया, लेटर में कुछ लिखा था, मां ने नहीं बताया, बाद में उनको पता चला कि स्कूल ने, मां क्या लिखा है, क्यों मुझे उन्होंने कहा आपका बेटा इतना, मां ने कहा आपका बेटा इतना जीनियस है कि हम नहीं पढ़ा सकते उसको, और मां ने फिर पढ़ाया। बाद में जब आइंस्टाइन ने वो लेटर देखा, कई सालों बाद जब मां नहीं रही, तो उसमें लिखा था आपका बेटा इतना अल्प बुद्धि है, इसको कोई पढ़ा नहीं सकता है, इसके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, ये जीवन में कुछ नहीं करेगा, ये फेलियर है। आप सोचिए, टीचर का गुण मां के अंदर, सोचिए, एक अल्प बुद्धि
लड़का जो आगे चल के दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रेन बना, जिसके ब्रेन को निकाल लिया गया था टेस्टिंग करने की, इनका ब्रेन इतना तेज तो उसमें पाया गया था कई ऐसे सेल्स हैं जो आम आदमी के सेल्स से कहीं ज्यादा उनके ब्रेन में सेल्स थे। फटाफट सोचना और ये वो ऐसी ऐसी थ्योरीज और चीजें, उनसे लोग कहता था आपका लैब कहां है, आपका लैब तो दिख नहीं रहा है, तो बोलते थे ये है मेरा लैब और ये है मेरा पेन जो है मेरा, ऐसे ऐसे थ्योरीज और जिसको काट नहीं सका कोई, ऐसे कई सवाल छोड़ गए जो कई लोग आज भी लगे हुए हैं उसको सॉल्व करने में। ये था उनका एक्सपेरिमेंट करने का जगह। आप एक बच्चे को जिसको आप बेवकूफ समझ रहे हैं, आप उसको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, वर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग, CRITICL, क्रिटिकल थिंकिंग, प्लीज इसको बढ़ावा दीजिए क्रिटिकल थिंकिंग को। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, वाई व्हाट इफ हाउ, ये जो पूछता उसको कहते हैं बहुत सॉल्व करते बैठ जा, वो एक्चुअली क्रिटिकल थिंकर है। जिसको आपने दबा दिया, आपने भविष्य का एक साइंटिस्ट खत्म कर दिया, आप सोचिए अपने देश अपने पूरे जीवन काल में आप क्या पाप कर रहे हैं, कितने उभरते हुए वाई व्हाट हाउ को आपने दबा दिया, बैठ जा जितना पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो। सर आपने फिजिक्स का इजाद नहीं किया, फिजिक्स किसी महान ने कर लिया, आपने उसको पढ़ा और आके बोर्ड पे दिखा दिया, आपने नया क्या किया जिससे कि कोई उभरता हुआ वैज्ञानिक पैदा हो, क्योंकि आपको डर लगा कि मैं इसके सवालों के जवाब दूंगा तो और 10 लोग पूछेंगे, तो आपने इसको टीचर कम्युनिटी ने क्या कहा, ये डिसरेस्पेक्ट है, तुम टीचर से सवाल करते हो, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, विश्वास तुमको नहीं है क्या कि हम तुमको सही बता रहे हैं। इस भावना से बच्चे डर गए, उन्होंने आपसे सवाल करना कम कर दिया। आप कुछ गिने चुने लोगों से बात करते हैं क्लास में जिनको आप इंटेलिजेंट या 90% प्लस मानते हैं, वो बैक बेंचर से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता है बैक बेंचर आए हैं क्लास में, खाना पूर्ति करेंगे, बेंच भरेंगे बस, पर सर उसमें से कोई बढ़िया खिलाड़ी भी हो सकता है जो अपना मैथ्स का हिसाब किताब वहां 100 मीटर की रेस में वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक्स में कंप्लीट कर दे 9.5, जो आपके स्कूल का पूरे भारत का नाम रोशन कर देगा। आज के डेट में गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर क्लास 10th पास, धोनी 12th पास, विराट कोहली, सबका नाम ले लीजिए जो क्रिकेटर्स हैं, और वो आ जाए तो जितने PhDs होंगे उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ेंगे, सर प्लीज सर आपके साथ एक सेल्फी चाहिए सर। सर जमाना बदल रहा है आज ट्रेनिंग, अच्छा एक बात नहीं, पहले शिक्षकों की इस तरह से ट्रेनिंग होती थी क्या, जो लोग भी पुराने हैं वो बता दीजिए, आज से 10-15 साल पहले, 5-7 साल पहले होती थी क्या, पर अब हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, ई लर्निंग आ गया, बच्चों का अटेंशन सोशल मीडिया और फेसबुक की तरफ चला गया, टेक्नोलॉजी को नया जनरेशन एडॉप्ट कर रहा है फास्टली, है ना। एज ए रिजल्ट हिंदुस्तान लीवर का नाम तो आपने सुना होगा, सब लोग सुने होंगे, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बहुत पुरानी कंपनी, पहली बार कंपनी के इतिहास में उन्होंने अभी IIM से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की ट्रेनिंग कराई है, क्यों करवाई, क्या जरूरत पड़ गई हिंदुस्तान यूनिलीवर को, क्यों जरूरत पड़ गई, क्योंकि कस्टमर चेंज हो रहा है, कस्टमर ई कॉमर्स की दुनिया में ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, अमेजन से, अब वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिटेल शॉप नहीं रहा, उसी तरह एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ गया, डिलीवरी में बदलाव आ गया, बच्चों की सोच में आ गया। तो आप कहेंगे बच्चे तो बच्चे हैं, इनके लिए क्या ट्रेनिंग लेना, तो साहब आप समझ लीजिए इस बात को, जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बैंक आपसे KYC फॉर्म भरवाता है कि नहीं, KYC क्या होता है, नो योर कस्टमर, तो जनाब आप अपने कस्टमर को नहीं समझेंगे, आप तो कमर्शियल चला रहे हैं स्कूल को, अपने स्टूडेंट्स को नहीं समझेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, हर किसी को कॉमन थ्योरी पढ़ाते जाएंगे कॉमन स्टाइल में, कोई बेचारा डिप्रेशन का शिकार है, किसी के पिता ड्रंक करके आते हैं, घर में मार पिटाई हो रही होती है, उसमें उसको मैथ्स पढ़ना होता है, फिर भी 60% ले आ रहा है, आप कहते हैं वो एवरेज बच्चा है, अरे वो तो डरा हुआ है कि मैं पढ़ भी पाऊंगा कि नहीं आगे, उसका ध्यान तो अभी भी होगा कि मम्मी ठीक है कि नहीं घर पे, घर जाऊंगा तो आज क्या होने वाला है, और उसको आपने फिजिक्स की आइंस्टाइन थ्योरी और न्यूटन्स थ्योरी बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं ही इज नॉट अटेंटिव इन द क्लास, ये कहीं लॉस्ट रहता है, शायद इसके दिमाग में कुछ नहीं जाता है,
तो आप समझिए इस बात को कि एक बच्चा 60 आपके, आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास 45 मिनट्स हैं बस, इस 45 मिनट में मैं क्या कर सकता हूं। मैं आपको बताऊं, मीडिया मेरे इन इवेंट्स को कवर करती है और मेरे इवेंट का नियम है, जैसे आप लोगों के लिए तो ब्रेक होगा, आज टी ब्रेक भी होगा, लंच ब्रेक भी होगा, 3.5 घंटे के कार्यक्रम में मैं एक्चुअली एक भी ब्रेक नहीं देता हूं बच्चों के लिए। और मीडिया कवर करती है कि एक बच्चे को भी, शायद ही कोई एक बच्चा उठ के टॉयलेट भी गया हो 3.5 घंटे में। ऐसा क्या होता है रश्मि रंजन, ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा कैसे करते हैं कि वो बच्चा ऐसे हो जाता है और उसको बोलना होता है, ऑल ऑफ यू वांट ब्रेक, नो नो सर, यू कंटिन्यू सर। वही बच्चा जो 45 मिनट के क्लास में डिस्टर्ब रहता है, मैं ओपन कैमरा पे, मेरा ऐसी कैमरा हर जगह लगा रहता है, आप देखेंगे, और बच्चे कहीं नहीं उठते जाते हैं। कोई उनको कंपल्सन है, अरे भाई टॉयलेट जाना है, नहीं बैठे रहो, नहीं आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखेंगे 200, 300, 300, 400, 400 बच्चे बैठे हुए, 500 बच्चे बड़े बड़े हॉल्स में, और एकदम सन्नाटा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, एकदम धारा प्रवाह मेरा कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहता है। क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन, एक टीचर को आज बॉडी लैंग्वेज पे काम करना पहला चीज बहुत जरूरी है, बॉडी लैंग्वेज। आपका लॉस्ट है, आप कहीं और सोच रहे हैं, आप पढ़ा तो रहे हैं पर आपका दिमाग कहीं और खोया हुआ है, आप डिस्टर्ब हैं, वो चेहरे पे आपके दिखेगा। आप जब पढ़ा रहे हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, आपको लगता है हम थोड़ी एक्टिंग करने आए हैं। प्लीज सर, मैं भी तो टीचिंग कर रहा हूं, क्या मेरा बॉडी लैंग्वेज एक एक्टर की तरह नहीं है क्या? हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, आवाज का मॉड्यूलेशन एक्टर की तरह नहीं है क्या? एक्टिंग करना बहुत जरूरी है। कई बार माता पिता एक्टिंग करते हैं बच्चों के सामने कि बच्चे उनके दुख तकलीफ को सही तरीके से समझें। जो सही मां बाप होते हैं कोई भी चीज को समझाते हैं बड़े कलात्मक तरीके से, हिम्मत रखते हुए, ये नहीं कि फूट फूट के रोने लगे और गले बच्चा को घबरा दिए, नहीं। घर में आपने भी किसी बच्चे को आप समझाते हैं तो बड़े समय के साथ, बड़ी सब्र के साथ आप उसको समझाते हैं, चेहरे पे मुस्कान रखते हैं कि बेटा घबराओ मत, स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, पापा मेहनत कर रहे हैं, तुम लोगों का साथ ऐसे ही मिला तो देखना पापा बदल देंगे तकदीर को। मम्मी समझाती है, बेटा देखो हम कर रहे हैं, धीरे हम भी मदद कर, यू नो फैमिली कैसे चलता है। थोड़ा कलाकार यानी बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। क्लासरूम में आप बच्चों के, एक इंसान दूसरे इंसान को डील कर रहा है, आप उस समय उस क्लास के मैनेजर हैं, आप क्लास टीचर हैं या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, पर आप उस समय वहां मैनेजर हैं, आप बच्चों को मैनेज करने आए हैं। यानी एक इंसान, आप रोबोट से डील नहीं कर रहे कि चिप घुसाए गो राइट तो राइट लेफ्ट, इंसान है, कई तरह की भावनाएं उसके अंदर है। आप अच्छा, तो बॉडी लैंग्वेज मैंने कहा, अच्छा कोई बता सकते हैं कि जब बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं जो 90% प्लस है, वो आपको इज्जत करता है या इज्जत की नजर से आपको देखता है? कोई यहां श्योर कर सकते हैं मुझे? जो आपसे बहुत सवाल भी करता है, जिसको आप जवाब भी देते हैं, जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि वो आपकी इज्जत करता है? बहुत बड़ी सवाल पूछ रहा हूं। टीचर के लिए इज्जत बहुत बड़ा मायने रखता है। पैसा और इज्जत दोनों टीचर के सामने रख दिया जाए, टीचर कहेगा पहले हमको इज्जत चाहिए। अगर जो सही शिक्षक है वो कहेगा हमको पहले इज्जत चाहिए, व्यापारी कहेगा पहले हमको पैसा चाहिए, व्यापारी कहेगा इज्जत मिले ना मिले वो बात की चीज है, पहले पैसा मिलना चाहिए, टीचर कहेगा पहले हमको इज्जत चाहिए। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, हमारा पुरातन काल से गुरु के लिए ये चला आ रहा है। तो गुरु तो कहेगा पहले हमको इज्जत चाहिए, तभी हम आए हैं इस प्रोफेशन में। और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, आर यू ए टीचर बाय चॉइस और यू आर ए टीचर बाय कंपल्शन? कुछ नहीं मिला तो टीचर बन गए, तो भाई हो सकता है वो पैसे के लिए आए हो पहले। ये दोनों केसेस हैं और बहुत क्लियर केसेस हैं, इस पर कोई डिबेट नहीं हो सकता, ये होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ना सर? तो ये आपको मानना जरूरी है। तो बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए सर, आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप बच्चों से डील कर रहे हैं, जब आप क्लासरूम में हैं, तो आपको उस समय कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आज का एक एजेंडा वो भी है, डोंट अलाउ एनीथिंग टू कम इन यू, है ना, एक एजेंडा। कौन सा एजेंडा है वो, कौन सा है? फाइव, फिफ्थ,
ठीक है, अच्छा जीरो एस्पिरेशन बिल्डिंग को मैंने जीरोथ लेवल पर क्यों रखा, क्या होगा मेरी मानसिकता कि मैंने जीरो को एस्पिरेशन बिल्डिंग रखा। थैंक यू सो मच, यू ऑल वे आर ए वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स। और अब मैं सभा में बैठे सभी विद्वजन शिक्षक, आज हम सुबह तो नवरात्र का पहला दिन है और सारे लोग व्रत हैं। सर जो प्रोग्राम बताए हैं बहुत सी चीजें ऐसी बताए हैं, और एक शिक्षक तो रोज ही सीखता है। मैं तो अपने क्लास में एज ए हिंदी शिक्षक बच्चों से रोज घुलने मिलने का ही प्रयास करता हूँ। शिक्षक की गरिमा जो होती है, जो सर बताए करेक्टर, तो टीचर जो इसके पहले आइडियल्स भी बता चुके हैं सर, लेकिन एक जो टीचर होता है, टीचर का जो सी बाद में होता है टीचर, आप लोग सारे लोग स्पेलिंग बताने की जरूरत नहीं है, वहाँ बात नहीं चलेंगे, बात करेंगे आज के प्रोग्राम की फीडबैक की केवल। तो टीचर का मस्ट होता है एक कैरेक्टर। तो कहा भी गया है कि वृत्तम यतनेन सरचेत वित्तम याति आयाति च या छिड़ो वित्तम छिड़ो वित्तम छिड़ो हतो हता, कि मतलब अगर चरित्र आपका धन चला जाता है तो थोड़ी बहुत जाती है, लेकिन वित्तम माने यदि आपका चरित्र चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। इसलिए शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि चरित्र का निर्माण करें, और यदि खुद का चरित्र नहीं रहेगा तो चरित्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं। आज सुबह से ही सारी चीजें बताई जा रही हैं, सारी चीजें हम लोग, कुछ लोग व्रत नहीं, सारे लोग खा पी के नहीं आए हैं, और जो लोग आए भी हैं तो बारिश का मौसम था, वैसे भी खा पी के नहीं आए हैं, तो एनर्जी तो बहुत है हम लोगों के पास। और शिक्षक 7 घंटे क्या सर बोले, अगर सर 70 घंटे बोलते रहे तो हम लोग सुनने के लिए तैयार है, 7 घंटे की बात नहीं है। और जिस क्लिप के माध्यम से सर जो चीजें हमें बताए हैं, तो हम लोग क्लास में बहुत सारी चीजें स्ट्रेस होती हैं, रोज तनाव होता है। अभी देखिए मैं नैना माथुर के माध्यम से कि इतना ज्यादा स्ट्रेस तनाव आ गया था कि हाथ उठाने की नौबत आ जाती है। और सरल है शिक्षण कार्य तो बहुत ही सरल होता है, लेकिन बार बार स्ट्रेस आते हैं क्योंकि हमारी खुद की भी व्यक्तिगत चीजें होती हैं। तो मेरा खुद का मानना है कि शिक्षण में आप व्यक्तिगत चीजें जो होती है वो कभी बाहर सामने आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अध्यापक का नाम ही होता है अधपका खा के आने वाला अध्यापक होता है। और बाकी चीजें जितना बताई गई है सर के माध्यम से मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। सर आपका प्रोग्राम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, और उड़ान जो उड़ान आपने सोची है, अगर हम लोगों में किसी को अवसर मिलेगा तो आप उड़ान के माध्यम से जब भी जहां भी मिलेंगे ये इस चीजें और ये जो बताई गई आपकी बातें हैं जरूर शेयर करेंगे। सर फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर एनकरेजिंग अस, it is such a amazing and nice management course. And sir, I want to tell you one thing, that teaching is a profession where we are touching a life of a student forever. And sir, so I would like to say everyone that yeah, we can go through this matter and we can take his thing in our method of thanks sir, thank you so much sir for giving your precious time to us. And the program was really well. In this training we were able to learn that there are different, means the classroom is not under the campus only, the classroom is everywhere, and we should motivate ourselves and be confident to teach every type of a student. Be a risk taker, don't play defensive. As sir said earlier that defensive playing is not a well thing, we have to be a risk taker. And we should motivate ourselves to make a brighter student. And in this meeting or training, we can say, we have learned about different methodologies, like we can teach a student in a different ways, like in classroom only duster and blackboard and chalk is not only the thing. We can work on them by knowing their backgrounds, from which they come. And we have to understand their psychologies to be a good teacher. And I think the innovation done by us can make any student better, and the better one can best. And the segregation of the students, that we think that this student is brilliant and this student is average, is not good, because every person, every student has their is talented in their own way. Either it is physics, some are good in English, poetry, and some are good in physics. Every student is talented in their own way.
So we have to give their exposure and we have to see that how we approach the student. We have to see the method of approaching the student. Thank you, sir. Good morning, all of you. Sir, आज का वर्कशॉप स्कूल क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर था. शिक्षण के क्षेत्र में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं. ज़रूरत है हम बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी समस्याओं को समझें और अपने ज्ञान को सदैव प्रज्वलित रखें, हमेशा सीखने की कोशिश करें और बच्चों के स्तर पर जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करें. टीचिंग टेक्निक्स को हम अप्लाई कर सकते हैं. जो भी शिक्षण की चीज़ें हैं उनके दैनिक जीवन से समझ करके, उनके दैनिक जीवन को जोड़ करके ज्ञान को इस तरीके से उन्हें दें कि अपने दैनिक जीवन में उस ज्ञान को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं. जब विज्ञान को, ज्ञान को अपने जीवन से जुड़ा पाएंगे तो उनके अंदर एक सीखने की ललक जागृत होगी और उन्हें उनके लक्ष्य को, ये बच्चों को समझाना है कि आप अपनी समस्याओं पर किस तरीके से काबू पा करके अपने जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. थैंक यू. टुडे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड क्लासरूम मैनेजमेंट इज वेरी यूजफुल फॉर अस. वी कैन यूटिलाइज डिफरेंट मेथड फ्रॉम देयर इन क्लासरूम, इन कैंपस एंड डिफरेंट unfavorable condition in class and field and anywhere you face the problem. It means I want to say that today's session is very useful for all and I am very thankful to sir. Thank you. And I want in future sir continue. Thank you, sir. Thank you. Give chance to attend the program. Thank you, sir. Thank you.